अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समीर रहमान है और आज हम चैप्टर नंबर 14 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से हार्ट बीट को डिस्कस करने वाले हैं और हार्ट साउंड को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखना है कि हार्ट बीट क्या होती है। हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट चैम्बर्स आर नोन एज हार्ट बीट। जो हमारे पास चैम्बर होते हैं हमारे हार्ट में, एट्रिया और वेंट्रिकल्स, उनकी जो कॉन्ट्रैक्शन होती है उसे हम हार्ट बीट कहते हैं। और ये बड़ी रिदमिक होती है, ये भी हमने डिस्कस किया था कि हार्ट बीट रिदमिक और रेगुलर होती है। इसका मतलब क्या है कि जब तक हार्ट पूरी तरह से रिलैक्स नहीं हो जाता तब तक जो है दूसरी हार्ट बीट स्टार्ट नहीं होती है, दूसरी कॉन्ट्रैक्शन जो है वो स्टार्ट नहीं होती। अच्छा, अब हमारा जो नॉर्मल हार्ट बीट है वो तकरीबन 72 टाइम्स पर मिनट है रेस्टिंग कंडीशन में। जब हम हमारा हार्ट बीट करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हमारे हार्ट के चैम्बर्स, तो वो तकरीबन 72 टाइम्स पर मिनट जो है वो बीट करते हैं। और ये एक एवरेज वैल्यू है। इसका मतलब क्या है कि 60 से लेकर और 100 तक ये वेरी कर सकता है। 60 से 100 तक जो है ये वेरी कर सकता है। किसी की अगर 60 है और अप टू 100 भी है तब भी ये हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल ही चलाएगी। अच्छा, इस हार्ट बीट के दौरान या फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ चैम्बर्स के दौरान जो है वो साउंड प्रोड्यूस होता है जिसे हम हार्ट साउंड कहते हैं। और ये दो किस्म का होता है, लब और डब। ये दो किस्म के साउंड होते हैं। और ये साउंड कैसे प्रोड्यूस होते हैं और इसको हम अपनी डायग्राम से समझते हैं अपनी। देखें, हमारे जब हार्ट बीट के दौरान ये चैम्बर्स, खासकर वेंट्रिकल्स की बात करते हैं, ये वेंट्रिकल है, ये वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल है। कौन सा वेंट्रिकल है? लेफ्ट राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल है और ये जो है लेफ्ट वेंट्रिकल है। अच्छा, होता है क्या है कि हमारे एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान ये वाल्व लगा हुआ है। इस वाल्व को हम क्या कहते हैं? ट्राइकैप्सिड वाल्व कहते हैं। और हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम है उसके दरमियान भी एक वाल्व लगा हुआ है जिसे हम मिट्रल वाल्व कहते हैं या फिर बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। इसके बारे में हमने वाल्व के बारे में पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। पिछली वीडियो अगर किसी को वाल्व पर नहीं समझ आता तो वो देख सकता है। अच्छा, अब लब साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होता है और डब साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग हार्ट बीट, वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम लब की बात करते हैं। लब साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होता है? लब में हम ये देखते हैं कि लब जो है, जो साउंड है वो वेंट्रिकुलर सिस्टोली से प्रोड्यूस होता है। सिस्टोली, मैंने आपको बताया था कि हार्ट बीट के दौरान दो मेन इवेंट होते हैं, एक सिस्टोली और दूसरे डायस्टोली। सिस्टोली एंड डायस्टोली। सिस्टोली का मतलब क्या है? जब हमारे हार्ट के चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन को हम सिस्टोली कहते हैं। और जिस दौरान हमारे जो हार्ट के चैम्बर्स हैं वो रिलैक्स होते हैं, रेस्टिंग पीरियड में होते हैं, उस कंडीशन को हम डायस्टली कहते हैं। अच्छा, अब वेंट्रिकुलर सिस्टली के दौरान क्या होता है? जब हमारे जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल हैं जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इस प्रोसेस को हम वेंट्रिकुलर सिस्टली कहते हैं। वेंट्रिकुलर सिस्टली के दौरान क्या होता है कि जो प्रेशर है यहाँ पर घट जाता है और उस प्रेशर से जो, मतलब ये वेंट्रिकल्स में जो ब्लड होता है, राइट वेंट्रिकल में जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो ये ब्लड जो है पुश किया जाता है अपनी अपनी रिस्पेक्टिव आर्टरी में। ये जो है राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो पुश किया जाता है कहाँ पर? पल्मोनरी आर्टरी में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो एओर्टा के अंदर, जो हमारे पास ये बड़ी सी आर्टरी नज़र आ रही है, इसके अंदर पुश किया जाता है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। फिर पूरी बॉडी के अंदर ये ब्लड चला जाता है। अच्छा, इस दौरान वेंट्रिकुलर सिस्टोली के दौरान क्या होता है कि क्योंकि एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व जो है, ये एवी वाल्व जो है इस दौरान बंद होते हैं, क्लोज होते हैं, ताकि जो वेंट्रिकल में ब्लड है वो दोबारा एट्रियम में ना आ जाए। तो दैट्स वाई जब ब्लड इन क्लोज एवी वाल्व मीन्स एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व से टकराता है तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसे हम लब कहते हैं।
अच्छा, इसको हम कहते हैं कि जब लव साउंड जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के हवाले से मैं आपको बता दूं कि इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ सिस्टली, नॉट द एंड एंड ऑफ सिस्टली, क्योंकि एंड ऑफ सिस्टली के बाद डायस्टली का फेज स्टार्ट हो जाता है। दैट्स वाई हम इसको लव साउंड को बिगिनिंग ऑफ सिस्टली कहते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्शन की शुरू होते ही जो है वो हमें ये साउंड सुनाई देता है लव। अब हम बात करते हैं डब की। अच्छा, डब में क्या होता है, डब जो है वो सेकंड हार्ट साउंड भी कहते हैं। एस वन का मतलब फर्स्ट हार्ट साउंड एंड एस टू का मतलब क्या, सेकंड हार्ट साउंड इज डब। अच्छा, डब के दौरान क्या होता है, अब वेंट्रिकुलर सिस्टली जो है वो एंड हो चुकी है, वेंट्रिकल्स में से जो ब्लड है वो अपनी अपनी आर्टरी मतलब पल्मोनरी आर्टरी और जो हम कहते हैं कि ये जो हमारी बड़ी आर्टरी है जिसे एओर्टा कहते हैं, यहाँ पर आ चुका है। अब इनमें जो ब्लड का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। अब कुछ ब्लड जो है वो बैक फ्लो करने की कोशिश करता है, बैक फ्लो करने की कोशिश में करता है, लेकिन ये पल्मोनरी आर्टरी के वाल्व और एओर्टा के जो वाल्व हैं ये क्लोज होते हैं ताकि दोबारा ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में ना आ सके। जब वो बैक फ्लो होता है तो क्लोज्ड एओर्टिक एंड पल्मोनरी वाल्व से टकराता है और टकराने से हमें आवाज़ आती है डब। और ये सारा प्रोसेस कब हो रहा होता है, ये सारा प्रोसेस वेंट्रिकुलर डायस्टली के दौरान होता है, जब ये जो वेंट्रिकल्स हैं ये वेंट्रिकल जब रेस्टिंग पीरियड में होते हैं या रेस्टिंग फेज में होते हैं उस दौरान ये काम हो रहा होता है। क्या काम हो रहा होता है कि वेंट्रिकल डायस्टली के दौरान जो ब्लड है हार्ट का वो हमारे पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में आ चुका है और यहाँ का प्रेशर ज़्यादा हो चुका है। कुछ ब्लड जो है वो बैक फ्लो करने की कोशिश करता है प्रेशर की वजह से और पीछे आने की कोशिश करता है, तो उससे ये वाल्व जो है पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी आर्टरी के जो वाल्व हैं जो कि वेंट्रिकल में खुल रहा है और एओर्टा के जो वाल्व हैं जो कि राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में खुल रहा है, तो ये वाल्व बंद होते हैं तो ब्लड उन वाल्व से टकराता है तो हमें आवाज़ आती है डब। तो हम कह सकते हैं एस वन साउंड इज लव, मीन साउंड फर्स्ट साउंड ऑफ हार्ट बीट इज लव विच इज ड्यू टू द बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टली, ओके, एंड द सेकेंड हार्ट साउंड विच इज कॉल्ड एस टू एंड डब इट इज द एंड ऑफ सिस्टली एंड बिगनिंग ऑफ डायस्टली, ओके, क्योंकि जब हमारे वेंट्रिकल्स डायस्टोलिक फेस में होते हैं, रेस्टिंग फेस में होते हैं, तभी ये ब्लड जो है वो आर्टरीज में होता है और आर्टरीज के क्लोज वाल्व जो होते हैं पल्मोनरी वाल्व और एओर्टिक वाल्व से टकराता है तो हमें आवाज़ आती है डब। तो दैट्स व्हाई वी कैन से बिगिनिंग ऑफ डायस्टली इज डब एंड बिगिनिंग ऑफ सिस्टली इज लव। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये आपने दोबारा समझना है, अगर समझ नहीं आता है तो आपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, कुछ सजेशन है तो वो भी दे सकते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।